जयपुर के अंदर शादी समारोह में 200 लोग जुटे हैं। हालांकि इस दौरान लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, उदयपुर से खेरवाड़ा इलाके के आड़ीवली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 200 लोग शादी समारोह में जुटते हैं और उसके साथ साथ तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन भी उनकी तरफ से किया जाता है। कोरोना काल है लेकिन नियमों की धज्जियां यहां पर जमकर उड़ाई गई। ना तो मास्क पहने हुए थे लोग और सबसे बड़ी बात ये कि लगभग 200 लोग इस शादी समारोह में जुटे हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की, खेरवाड़ा इलाके के आड़ीवाला गांव का यह दरअसल मामला बताया जा रहा है। इस शादी समारोह में 200 लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने तमाम गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया, मास्क भी नहीं पहना हुआ था इन तमाम लोगों ने। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये शादी समारोह में लोग पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। तमाम प्रशासन की गाइडलाइंस का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रताप जुड़ चुके हैं। प्रताप, जिस तरह से ये तस्वीरें दिख रही हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकार की तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन यहाँ पर लोगों ने किया है, क्या जानकारी इस बारे में? निश्चित रूप से मतलब उल्लंघन ही नहीं, इनको यूं कह सकते हैं अपन की सरकारी आदेश की किस तरीके से धज्जियां जो है वो खेरवाड़ा के आड़ीवली पंचायत में उड़ाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि जिस घर में ये शादी हो रही है वो एक सरकारी शिक्षक का घर है। एक तरफ जो सरकारी शिक्षक से जुड़े हुए जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को कोरोना वॉरियर जो है वो माना जाए, लेकिन कह सकते हैं कि एक कोरोना वॉरियर द्वारा ही इस तरह का कदम उठाना कितना भयावह है इस तरह के दौर में, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार उदयपुर जिले के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है। खेरवाड़ा में भी कुछ समय पूर्व ही 2 या 3 दिन पहले ही एक बड़ा विस्फोट जो है वो कोरोना को लेकर हुआ है, और ऐसे में इस तरह की शादी अपने आंगन में करना कहीं ना कहीं एक सवाल निशान जो है वो खड़ा करता है। साथ ही कह सकते हैं कि गांव के जो स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। साथ ही कह सकते हैं कि पुलिस की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, बीट जो ऑफिसर होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के आयोजन अगर ऐसे होते हैं तो वो उसकी सूचना जो है अपने उच्च अधिकारियों को दे। लेकिन निश्चित रूप से सभी लोगों की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बड़ा आयोजन जलसा जो है वो आड़ीवली गांव में हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किसी ने भी मास्क जो है वो नहीं लगाया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो पूरी तरीके से उड़ाई जा रही है। ऐसे में अब जैसे ही इस तरह के वीडियो सामने आया उसके बाद प्रशासन भी अब कह सकते हैं कि सख्ते में आया है, अब इस तरह की कोशिश की जा रही है कि वहां से हटाया जाए। तरह से संज्ञान में ये मामला आया है, कोई कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से की गई है? जो ये सरकारी शिक्षक है किसी तरह की कोई बातचीत की गई है? देखिए फिलहाल अभी तक किसी तरह की कार्रवाई जो है वो स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही ये जो वीडियो सामने आए हैं उसके बाद कार्रवाई की बात जो है वो उच्च अधिकारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कह सकते हैं कि रोक जो है वो वहां पर नहीं लगी गई है। वहां पर बड़ी तादाद में 250 से 300 की तादाद में लोग जो है वो मौके पर जमा है, और साथ ही जो बारात है वो भी वहां पर आई है। और ठीक लॉकडाउन के पहले और कोरोना से पहले जिस तरीके शादी समारोह गांव में होते थे उसी तर्ज पर इस शादी समारोह का आयोजन जो है वो वहां पर किया गया है, तो निश्चित रूप से एक सवाल या निशान जो है वो स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। जी बिल्कुल, और देखिए ना प्रताप, उधर वहीं की सड़कों की हालत खराब होने की वजह से इन सड़कों